हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों आज आप सभी को मैं कैरी मिनाटी जैसा लोगो बनाना सिखाऊंगा बहुत ही कम टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पिक यूज़ करी है वो आप देख सकते हैं, ये वाली पिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि एक इसका स्केच बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी स्केचिंग मतलब ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। पेपर पे आप उसका एक स्केच बनाइएगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब आपका स्केच एक कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब उसकी आई थोड़ी कैरी जैसी, जैसे देखा है ऊपर की स्ट्रेट लाइन होती है, फिर नीचे से कर्व रहती है आई में, और नोज़ देखिए कैसे बनी है, मतलब अकॉर्डिंग अपने कैरी के लोगों और अपने पिक के अकॉर्डिंग एक स्केच बनाइएगा अपनी पिक का। उसके बाद उसको इम्पोर्ट कर लिएगा ऐप के अंदर, इन्फिनाइट डिज़ाइन में अगर आप यूज़ करें तो उसमें इम्पोर्ट कर लिएगा। अब देखिए वहाँ पे करना क्या है कि अब पिक में हमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग करनी है आउटलाइन से। तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन, अगर आप कैरी का लोगो मतलब देखें गौर से तो उसकी पिक में आउटलाइन है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थिक आउटलाइन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बाहर के एरिए में आउटलाइन है, मतलब बॉर्डर्स जो हमारे कह सकते हैं पिक के, उस पर सिर्फ आउटलाइन नहीं, पूरी जितनी भी चीज़ें हैं सब जगह पे आउटलाइन है। यानी कि हेयर अलग से दिख रहा है, हेयर और बियर्ड का सेक्शन पूरी एक आउटलाइन में है। उसके बाद आईब्रोज पे भी आउटलाइन है, अलग अलग चीज़ों पे आउटलाइन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि पूरी पिक पे हमें आउटलाइनिंग अपनी कंप्लीट करनी होगी। तो ये आप सबसे पहली और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उस पर आप लोग ये आउटलाइन वाला जो प्रोसेस है सबसे पहले उसको कर लीजिएगा। तो जब एक बार पूरी पिक की आउटलाइन हो जाएगी तो उसके बाद हमें कलर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने रेफरेंस के लिए दूसरी वाली इमेज भी रखी हुई है कि मतलब समझ में आता रहे कैसे इसमें काम चल रहा है। तो उसके बाद जब आपकी पूरी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर आईब्रोज बनानी है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा मैंने कर्व जो किया हुआ था उसको मैं शार्प कर रहा हूँ, वो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एंग्री एक तरीके से समझ लिया, इंटेंस टाइप का लुक यहाँ पे देना है, तो इस वजह से इस टाइप से आईब्रोज बनानी होगी। अब देखिए बात आती है यहाँ पे टी शर्ट की, तो वो तो ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई तब मुझे नहीं लगता आपको इशू आएगा। आसानी से इसको ड्रॉ कर लिएगा और उसके बाद उसकी आउटलाइन भी हो जाएगी, और सारी लाइंस जो हैं मतलब उनको सबको मिला के रखिएगा। अब देखिए जहाँ ये जो मैंने ये पार्ट ड्रॉ करा, ये आप टेपर्ड ब्रश से इन्फिनाइट डिज़ाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए जो मैं ये नोज़ बना रहा हूँ, ये नोज़ थोड़ी अलग तरीके से बनाई थी, क्योंकि पिक में अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप की नोज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग इस टाइप की नोज़ बनाइए। मगर आप अगर कैरी वाली पिक में जा कर के देखें तो उसकी नोज़ थोड़ी डिफरेंट है, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मगर मेनली यही होता है कि डिपेंड करता है आपकी पिक कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरा बनाएंगे तो फिर ज़्यादा सही बनेगा। वरना अगर आप कैरी की इमेज को ध्यान में रख के पूरा बनाते चले जाएंगे तो फिर वो वैसे ही बन जाएगा, उसी की पिक के जैसा लोगो, उसी के जैसा लोगो हो जाएगा, वो आपका उसमें मतलब फेस का कोई टच नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे मैंने आई बॉल है वो भी बना दिया, अब हमारा काम आउटलाइनिंग का देख ली पूरा हो गया कंप्लीट। अब चाहें तो आप नीचे वाली जो लेयर है उसको हाइड कर दें। अब देखिए ये जो कैरी का लोगो, इससे मैंने कलर भी उठाया, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो क्लाइंट उनकी रिक्वायरमेंट ही यही थी कि एग्जैक्ट हमें कैरी जैसा लोगो चाहिए, बिल्कुल वही कलर्स, सब वही चीज़ चाहिए। तो आप भी अगर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाना चाहते हैं तो फिर कलर भी वही यूज़ करने होंगे। तो आप लोग कैरी की इमेज मतलब जो लोगो है उससे कलर्स को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो बेस कलर से पूरी फेस पे और बाकी नेक वाला जो पार्ट है, नेक और ईयर वाला पार्ट है, वहाँ पर आप सबसे पहले तो कलर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कलर करना है, और पूरा देखिए मैंने नेक ईयर और फेस का पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा हेयर वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा हेयर बियर्ड आईब्रोज वाला जो पार्ट है, उस पर हमें कलरिंग करनी होगी। अब देखिए उसमें क्या करना है कि उसके लिए भी आप उससे ही कैरी के लोगों से ही कलर उठा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो डार्क ग्रीन कलर है, तो ये उठा करके आप पूरे हेयर वाले पार्ट में कलर करिएगा। अब देखिए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये आप अगर इन्फिनाइट डिज़ाइन में करेंगे तो आप ये लैसो से कर सकते हैं, मतलब लैसो ले लें और साथ में लेज़ी टूल ले लें, उसके हेल्प से भी आप ऐसे मतलब जिस तरीके से मैं फिल कर रहा हूँ ऐसे कलर आप फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो फिर पेन टूल और लैसो ब्रश की हेल्प से भी, जैसे यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया है, तो ऐसे भी आप फिल कर सकते हैं। देखिए ऐप जो है ये मैंने इस वजह से इसको यूज़ करना स्टार्ट करा है क्योंकि इन्फिनाइट डिज़ाइन में प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी, उसमें बहुत ज़्यादा बग्स हैं, जैसे कि फोर्ड स्टॉप हो जाता है, और भी मतलब हमारा अगर प्रोजेक्ट सेव करा है उसको दोबारा जा करके ओपन करते हैं तो फिर वो मतलब पूरा ख़राब हो जाता है, इस टाइप की इश्यूज आते हैं। इस वजह से मैंने उसको हटाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करें, 3-4 घंटे कर मतलब लगाएं किसी काम में और उसके बाद वो पूरा ख़राब हो जाए तो फिर मूड ख़राब होता है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर मैंने टी शर्ट का कलर, अब जो सा भी सही लगे, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लू टाइप का मैंने कलर लिया, उसमें आपको अभी आगे वो दिख जाएगा, मैंने उसका चेंज कर दिया था कलर। अब देखिए जैसे आई बना रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कैरी की इमेज में ऐसी आई नहीं है, कैरी की इमेज में थोड़ी डिफरेंट आई है। ये जो मैंने नीचे की तरफ लाइंस बनाई है
वो नहीं है, वो लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टी शर्ट का कलर थोड़ा चेंज कर दिया, ब्लू टाइप का कर दिया, स्काई ब्लू। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे पूरी फिलिंग हो जाने के बाद आपको इसकी हाइलाइट्स बनानी, मतलब हाईलाइट और शेडो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लेफ़्ट वाले पार्ट पे डार्क रहेगा तो डार्क कलर हम लोगों को ले लेना है और उससे हमें यहाँ पर शेडो बनानी। अब देखिए लेफ़्ट वाले पार्ट में अगर डार्क कलर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नेक वाले पार्ट में भी डार्क रहेगा, थोड़ा बहुत आईब्रोज के नीचे भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर नोज़ पे भी थोड़ा बहुत डार्क आएगा, आपको मतलब ख़ुद इमेजिन करना होगा कि कौन से पार्ट पर लाइट आएगी, कौन से पार्ट पर एरिया डार्क रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे कलर्स फिल करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज नहीं होगी, मतलब कि आपके पास नीचे से जो इमेज आपने ड्रॉ करी वो स्केच होगा, उसको देख करके आप शेडो या हाईलाइट्स नहीं देख सकते कैसे हैं, तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना पड़ेगा। बस एक तरीका इमेजिन कर लिए कि राइट साइड से अगर लाइट पड़ेगी तो लेफ़्ट साइड वाला एरिया डार्क होएगा, उसके मतलब ये माइंड में रख के अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप आसानी से ड्रॉ कर ले जाएंगे। अब अगर आप देखें तो मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा, और अगर मतलब ये जो पिक है अगर आप फेस पे देखें भी तो जो 3D इफेक्ट है वो इसमें आ भी रहा है सही से अगर आप देखें। बस ये है आपको सही तरीके से इसमें कलर्स को प्लेस करना है। और ये देखिए जब मैं जो नोज़ की दूसरा वाला जो पार्ट है उसको 3D टाइप का जो नोज़ में इफेक्ट दे रहा हूँ उसके लिए आपको नोज़ मतलब कलर की ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो ओपेसिटी कम करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप अगर आप कराएंगे तो फिर ऐसे में इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए फेस का काम हो गया कंप्लीट, उसके बाद अगर आपको हेयर पे आना है तो हेयर पे भी वही सेम काम करना है कि लेफ़्ट साइड पे थोड़ा डार्क रखना है और राइट साइड पे थोड़ा सा ब्राइट रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं हेयर जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना है कि मतलब हम किस चीज़ पर कलर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शेप्स बनाने होंगे। अब बियर्ड है तो वो एकदम स्ट्रेट मतलब स्मूथ एक ही अटेम्प्ट में, उसमें कोई भी कॉर्नर्स नहीं निकालने, सीधा बना दिया, वही काम यहाँ पर भी करना है। और बाकी जैसे हेयर में बनाया था तो वहाँ पे थोड़े से कॉर्नर्स निकाले थे क्योंकि हेयर की जो मतलब आउटलाइन है वो अगर जो मेन उसका फ्रेम अगर हेयर का देखें तो वो उसी टाइप से थोड़े कॉर्नर्स निकले। अब आईब्रोज में भी एकदम स्ट्रेट स्मूथ लाइंस बना दिए, मतलब शेप बना दिए, कुछ उसमें कॉर्नर नहीं निकाले। अब बाकी आप यहाँ पर हेयर में मतलब अपने अलग अलग तरीके से जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर कलर्स को फिल कर सकते हैं। और बस ज़्यादा कलर ना यूज़ करिएगा, जैसे अगर हम वेक्टर में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ही कलर्स यूज़ कर लेते हैं, वो काम आपको नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ करने, लिमिटेड 3-4 कलर यूज़ करके हमें पूरी अपनी आर्ट को बनाना है। अब यहाँ पर जैसे हेयर का फेस का पार्ट हो गया कम्प्लीट, अब यही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है टी शर्ट में। अभी वो भी मैं आपको मतलब दिखा दूँगा कैसे होना है। तो देखिए यहाँ पर पहले थोड़ी सी ये जो आईब्रोज पे हाईलाइट्स हैं इसको बना लेते हैं। अब बस इसमें एक चीज़ ये रहती है कि आपको इमेजिन मतलब सही करना है कि कहाँ पे लाइट आ रही, कहाँ पे लाइट नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लेफ्ट साइड पर बनाया है, अब थोड़ा सा इस बेस कलर से थोड़ा सा ब्राइट कलर लूँगा और उसको मैं राइट साइड पर बनाऊँगा। तो ये सब करने से हमारी जो टी शर्ट है उस पर, या आप जो भी मतलब कपड़े बनाना चाहे तो आप शर्ट बना सकते हैं, जैकेट, जो कुछ भी आपको बनाना हो वो बनाएंगे अगर आप, तो उसके बाद जब उसमें कलर करेंगे इस तरीके से कि एक बेस कलर होगा लेफ्ट में डार्क, राइट में लाइट मतलब ब्राइट कलर, तो अगर ऐसे आप कलर्स फिल करेंगे तो वो काफ़ी सही रहेगा और आपका जो मतलब पिक है उसमें 3D लुक भी आ जाएगा। और वो कलर्स की ओपेसिटी कम करके भी उनको मतलब ओवरलैप कराइएगा शेप्स को एक के ऊपर एक, तो उससे भी डिफरेंट इफेक्ट आता है मतलब पिक में। तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा आपकी पिक के अंदर। अब देखिए जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने रिमूव करना था तो वो मैंने कर दिया, उसके बाद हमारी जो पिक है वो मतलब पूरी कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पे हमें आई में थोड़ी बहुत डिटेल बनानी, जैसे एक सर्कल ले लिएगा वाइट कलर का, उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दीगा, और उसके बाद एक छोटा सा सर्कल उसकी ओपेसिटी कम रहेगी, उस पर ओवरलैप करता हुआ बनाइएगा और थोड़ा सा उसके राइट साइड पर लगा दिएगा। अब ये पूरे पार्ट को उठा कर सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा और उसको राइट वाली आई में जा करके लगा दिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।